दिगर शहर और परिसर में इन दिनों चोरी और घरपोड़ी की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीते कुछ माह से अब तक चोरी और सेंधमारी की कुछ बड़ी घटनाएं सामने आई है, जिसमें से फिलहाल किसी एक का भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पेश है दिगर संवाददाता जुबेर खान की यह खास रिपोर्ट। चोरी की घटनाओं से इन दिनों दिगरस और परिसर के नागरिकों में हताशा और खौफ का मंजर है। आए दिनों कहीं ना कहीं चोरी की छोटी बड़ी वारदातें दिगरस पुलिस को चुनौती दे रही है। हाल ही में 5 अगस्त को दिन दहाड़े हुई चोरी की घटना में नए बस स्टैंड के सामने स्थित सेवा नगरी परिसर निवासी पत्रकार और बैंक कर्मचारी संदीप रत्न पारखी के घर का ताला तोड़कर, अलमारी का लॉकर फोड़कर चोरों ने कुल 1,43,000 के माल पर हाथ साफ किया है, जिसमें सोने के आभूषण और नकद 5,000 की राशि का समावेश है। चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए शातिर चोर बड़े आराम से रफा दफा भी हो गए। घटना के बाद पत्रकार संदीप रत्न पारखी को जब घर में हुई चोरी की खबर लगी तो मानो जैसे उनके पैरों तले की जमीन खिसक सी गई। जैसे तैसे उन्होंने इसकी जानकारी दिगरस पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक सेवानंद वानखेड़े को दी। थानेदार सेवानंद वानखेड़े ने दिगरस पुलिस कर्मियों को घटनास्थल की ओर रवाना किया, जहां पंचनामा किया गया। अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ और परिसर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पुलिस के हाथ लगे इन फुटेज में दो युवा, जिन्हें कथित तौर पर चोर बताया जा रहा है, वो नजर आ रहे हैं। इन फुटेजेस की छानबीन कर दिगरस पुलिस चोरों का हुलिया जांच कर और उन्हें चिन्हित कर उन्हें सलाखों के पीछे धकेलने में जुट गई है। रत्न पारखी दिनांक 5 ऑगस्ट रोजी माझ्या घरी एक दिवसा ढवळ्या चोरी झाली। आम्ही रोज माझी मिसेजचे टेलर दुकान आहे, ती 10:30 वाजता टेलर दुकानात जाते आणि मी बँकेत जातो। त्या दरम्यान कोणी घरी नसते दुपारी आणि त्या 11:30 ते 5:30 दरम्यान ही दिवसा ढवळ्या माझ्या घरी चोरी झाली। मी 5:30 वाजता घरी गेलो असता दाराचे कडी कोंडा तोडून कुलूप तोडून आतमध्ये चोर शिरल्याचे माझ्या निदर्शनास आले आणि तेथील कपाट तोडून त्याच्या कपाटाचे लॉकर तोडून माझ्या पत्नीचे दागिने, जवळपास 27 ग्रामचे दागिने ज्याची किंमत जवळपास 1.5 लाख रुपये आहे, ते चोरी गेले आणि 5,000 रुपये अशी रोख रक्कमसुद्धा चोरांनी दिवसा ढवळ्या चोरून नेली। माझं एवढंच म्हणणं आहे, पोलीस प्रशासनाची मला पूर्णपणे मदत होत आहे, परंतु खाकीचा धाक राहावा यासाठी आणखी जोमाने पोलिसांनी प्रयत्न करून या चोरांना वचक घालावा अशी माझी आपल्या माध्यमातून प्रशासनात पोलीस प्रशासनात विनंती आहे। बहरहाल इस घटना के अलावा बीते 25 जुलाई को दिगरस आर्नी रोड पर स्थित देवरवाड़ी गांव में भी चोरों ने आधी रात को शेख कलीम बैटरी विक्रेता के घर में घुसकर करीब 1.5 से 2 लाख के माल पर हाथ साफ किया था, जिसमें सोने के आभूषणों सहित नकद राशि का समावेश था। इस घटना के बाद भी पुलिस ने अपनी जाँच पड़ताल प्रक्रिया की रस्म अदा की, जिसमें पंचनामा किया, डॉग स्कॉट और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद भी ली गई। लेकिन इन अथक प्रयासों के बावजूद भी इस मामले का नतीजा पता है क्या निकला? 0 अर्थात 0। किस तारीख? 25 तारीख को मैं यहाँ रात में चोरी हुई और मैं लाखपुर घर के काम से गया था। मैं लाखपुर परिवार के साथ में थे, हम लाखपुर में रात को मालूम पड़ा हमको 24 तारीख के दिन सुबह रात में निकला था मैं और रात के 2-3 बजे मैंने चोरी किया ऐसा लगता। तो चोरी होने के बाद सुबह हमारे को लाखपुर में मालूम पड़ा। हम लाखपुर में से फिर दिगर आए, जब तक के पुलिस वाले आए, पुलिस वाले साहब ने पूरी मदद की हमारी, थानेदार साहब ने पूरी मदद की, देखे चेक किए और थानेदार साहब ने बहुत अच्छी मदद की, सब उनके टीम ने अच्छी मदद की और वो थानेदार साहब बताए हमको कि आपको जल्दी से जल्द पकड़े जाएंगे। इसी कड़ी में आपको बताते चले कि बीते 14 अप्रैल 2024 को चांदनगर निवासी बैंक कर्मचारी फैयाज शेख के घर पर भी चोरों ने निशाना साधा और घर में कोई न होने का फायदा उठाते हुए 20,000 रुपये कीमत की वन प्लस स्मार्ट टीवी, 5,000 रुपये कीमत के बेंटेक्स के आभूषणों, 15,000 कैश सहित नए कपड़े, पावर बैंक, पेन ड्राइव आदि चीजें उड़ाई गई। खुद फयाज शेख ने इस घटना के बारे में NBC न्यूज चैनल को जानकारी दी है। मैं फयाज शेख, चांदनगर दिगस का रहवासी हूँ। बीते 14 अप्रैल 2024 को मैं पूरे फैमिली के साथ में पुसद गया हुआ था। उसी रात में मेरे घर चोरी हो गई। जब मैं दूसरे दिन 15 अप्रैल को घर आया तो जब मैंने देखा कि घर का जो मेन दरवाजा है उसका ताला टूटा हुआ था। जैसे मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि सोफा वगैरह सब अस्त व्यस्त थे, सारे अलमारी में के कपड़े, एक एक कपड़ा उन्होंने नीचे फेंक दिया था और मेरे घर में तकरीबन मेरी एक स्मार्ट टीवी थी वन प्लस की, तकरीबन 18,000 रुपये की, वो चोरी हो चुकी थी। उसके बाद में कुछ बेंटेक्स की ज्वेलरी थी,
तकरीबन 5,000 के आसपास वो भी चोरी जा चुके थे और कुल मिला के 15,000 के आसपास कैश थी वो भी घर में नहीं मिली। उसके बाद में कुछ चिल्लर सामान थे जैसे पावर बैंक है, पेन ड्राइव है और भी कुछ ऐसे चिल्लर चाल्लर सामान भी गायब थे। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन में गया, उनको पूरी अपनी आपबीती बताई तो मेरे साथ में वहाँ के पीएसआई साहब और दो पुलिस वाले साथ में आए, उन्होंने भी घर का पूरा पंजनामा किया, पूरा वीडियो निकाला, पूरा आसपास देखा ये क्या कुछ सुराग मिलता क्या, लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं। उसके बाद में वो चले गए लेकिन उसके बाद से आज तक भी ऐसा कुछ पुलिस की तरफ से ऐसा कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं। बस मेरी यही आशा है कि वो जल्द से जल्द इस चोर को, जो भी चोर है, उसे उन्होंने उन पर कार्रवाई करके उसे पकड़ा जाए और मुझे न्याय दिलाए। गौरतलब है कि चोरी की इन घटनाओं में शामिल चोरों ने दिन दहाड़े और रात के अंधेरे में चोरी के पाप कर्म से मानव संरक्षण आय और खल निग्रहण आय का जिम्मा उठाने वाले पुलिस विभाग के सामने चुनौतियां पेश कर दी है। ऐसा कतई नहीं है कि पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी है, लेकिन इन तीनों घटनाओं में से अब तक एक का भी कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है और समय बीतता जा रहा है, जिस वजह से चोरों के दिल से पुलिस का खौफ खत्म तो नहीं हो गया, इस आशय का सवाल अब उपस्थित हो रहा है, क्योंकि जिन लोगों के घरों में चोरी हुई है उनकी आंखों के सामने अब भी तोड़े गए ताले, फोड़े गए लॉकर और बिखरे हुए सामान के साथ ही कड़ी मेहनत के दम पर भविष्य के लिए सोने चांदी के जेवरातों और नकद राशि के रूप में लुट चुकी जमा पूंजी की तस्वीरें बार बार उमड़कर उनकी बेबसी का इम्तिहान ले रही है। चोरों के आतंक से पीड़ित परिवार जिस दिन चोरी हुई उस मनहूस घड़ी को कोस रहे हैं, मन ही मन पछतावा भी कर रहे होंगे और शायद दूसरी तरफ विभिन्न घटनाओं में चोरी के मिशन में कामयाब हुए शातिर चोर अपनी महारत पर इतरा रहे होंगे। इसे नियति का खेल कह लीजिए या चोरों की अच्छी किस्मत समझ लीजिए या फिर पुलिस की जांच या निगरानी में कमी कह लीजिए, दोनों सूरतों में इसका खामियाजा चोरों के आतंक से पीड़ित परिवार को ही भुगतना पड़ रहा है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।